रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का लास्ट रूल होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल के अंदर। इनिशियली होंड्स कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अवॉइड करता है एक ही ऑर्बिटल में रहना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू अवॉइड बीइंग इन अ सेम ऑर्बिटल, विल ट्राई टू ऑक्युपाई ऑर्बिटल सिंगली। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज्यादा है तो वो एक ही ऑर्बिटल में रहने से इज्तनाब करेंगे, जबकि वो अलग अलग रहना पसंद करेंगे। असल में यहां पर क्या है, यहां पर इसे कॉन्सेप्ट दिया डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मींस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। इट मींस दैट अगर इलेक्ट्रॉन को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबशेल में आ रहा है जिसमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद अपोजिट स्पिन या विद सेम स्पिन। अभी सेम स्पिन का देख लेते, सॉरी सेम स्पिन क्या मतलब, अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी के अंदर तीन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px, दूसरा py, तीसरा pz। तो p में तीन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। यहां पर हमारे पास अगर हम ड्रॉ करें कि p के ऑर्बिटल्स, p कंटेन थ्री डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, दैट इज px, py एंड pz। अगर p में तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका एटॉमिक नंबर दिया गया और आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की उसके मुताबिक पी में तीन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी आ गई। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहने के बजाय अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पीएक्स में क्लॉकवाइज, दूसरा पीवाई में क्लॉकवाइज, तीसरा पीजेड में क्लॉकवाइज। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिहाज से ही हम, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई एंटी क्लॉक तो सेकंड को भी आना पड़ेगा एंटी क्लॉक और थर्ड को भी आना पड़ेगा एंटी क्लॉक, ये भी सही है। लेकिन अगर यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक आ गया और दूसरा आ गया एंटी क्लॉक, तीसरा क्लॉक, तो ये अकॉर्डिंग टू होंड्स रूल रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो अकॉर्डिंग टू होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सबशेल में आ रहा है जिसके पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहने के बजाय अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन। सेम स्पिन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मे बी क्लॉकवाइज स्पिन, मे बी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अगर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आ गया तो बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे क्लॉकवाइज, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक आ गया तो बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे एंटी क्लॉक। लेकिन अगर पहला क्लॉक आ रहा है और दूसरा एंटी क्लॉक, तो ये होंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की क्या हो गई वॉयलेशन। तो एक तरीके से ये हो गई पहली एग्जांपल कि हमारे पास अगर पी के अंदर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास पी में चार इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की और पी में चार इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट वन बाय वन सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे px, py, pz। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो आएगा px में, या तो आएगा py में, या तो आएगा pz में, लेकिन विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब अगर ये पहले तीन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आ चुके हैं, अब आएगा ये एंटी क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल px में आ गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल सही है। या ऐसा भी हो सकता है कि तीन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आ गए px, py, pz में और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आ गया py में, ये भी सही। और इट मे बी पॉसिबल दैट px, py, pz क्लॉकवाइज और फोर्थ इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पर pz में, ये भी सही। लेकिन अगर इसकी वॉल्यूशन वगैरह होगी वो किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, थर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अभी तक होंड्स रूल वॉलिड नहीं हुआ, इसका मतलब कि तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए विद सेम स्पिन अलग अलग ऑर्बिटल में। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, अब उसकी फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारी मर्जी वो px में लेके जाए, py में लेके जाए, pz में। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया pz, px में या py में या pz में विद सेम स्पिन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गई रॉन्ग हो गई।
अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर इलेक्ट्रॉन के पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहने की बजाय अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन, या तो सारे ग्लॉक होंगे या तो सारे एंटी ग्लॉक होंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाओ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवानी पड़े, तो पेयरिंग में क्या होगा, तो जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। अगर फर्स्ट क्लॉक आया तो दूसरा कैसा आएगा, एंटी क्लॉक। लेकिन अगर दोनों क्लॉक हो गए तो यहां पर वॉल्यूशन ऑफ रूल हो गया, इस तरीके से यहां पर वॉल्यूशन ऑफ रूल है। तो हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये लास्ट रूल था, इसके बाद हम लोग बकायदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई सवाल है आप लोगों को तो मुझसे पूछिए।